मानसून के दौरान बढ़ती नमी और उमस के कारण त्वचा अक्सर चिपचिपी और ऑयली हो जाती है। ये चिपचिपापन मुहासे और फोड़े और फुंसियों का कारण भी बन सकता है, खासकर जिनकी स्किन पहले से ऑयली होती है, उनके लिए समय और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस मौसम में त्वचा की खास देखभाल करना बहुत जरूरी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे अपनी त्वचा की देखभाल आप कर सकते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। त्वचा की नियमित सफाई जरूर करें। इस मौसम में हल्के मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए, साथ ही अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखें। त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। इसके अलावा मॉनसून में चिपचिपी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं। आइए खूबसूरत मेकओवर की ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा गोयल से जानते हैं। नंबर 1, त्वचा की सफाई। मॉनसून में आपको अपनी त्वचा की नियमित सफाई करनी बहुत जरूरी है। एक्चुअली में इस मौसम में नमी और पसीने की वजह से त्वचा पर धूल मिट्टी और प्रदूषण जमा हो जाते हैं। इससे त्वचा पर गंदगी और चिपचिपाहट बढ़ जाती है, खासकर चेहरा काफी ऑयली नजर आने लगता है। ऐसे में अपने चेहरे को दिन में 2 बार जरूर वॉश करें। इसके लिए आप एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इन्फेक्शन और मुहासों से भी बचाव होगा। नंबर 2, स्क्रबिंग जरूर करें। मॉनसून में स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए। स्क्रबिंग करने से डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं, साथ ही स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल भी आसानी से निकल जाता है। आप वीक में 1 बार स्क्रबिंग कर सकते हैं, लेकिन स्क्रबिंग के दौरान त्वचा को ज्यादा रगड़ने से बचें। आप चेहरे के साथ हाथ और पैरों की स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। नंबर 3, मास्क का इस्तेमाल करें। त्वचा के चिपचिपाहट को निकालने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर के मास्क फायदेमंद होते हैं। ये मास्क त्वचा को ठंडक प्रदान करते हैं, साथ ही त्वचा की जलन और सेंसिटिविटी को भी शांत करते हैं। नंबर 4, नॉन ग्रेसी मॉइस्चराइजर लगाएं। कुछ लोग मॉनसून में त्वचा पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, जबकि मॉनसून में भी त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। इसके लिए आप नॉन ग्रेसी मॉइस्चराइजर का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो जेल या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा पर चिपचिपाहट नहीं रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटी बैक्टीरियल पाउडर का यूज करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपको ज्यादा पसीना आता है तो आप एंटी बैक्टीरियल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर पसीने को सोखने में मदद करता है, साथ ही त्वचा की चिपचिपाहट को भी कम करता है। इस पाउडर को लगाने से त्वचा का संक्रमण से भी बचाव होता है। इन टिप्स को फॉलो करके आप मानसून में चिपचिपी त्वचा से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर समस्या हो तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर सलाह करें। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें।